तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो मैं फर्स्ट टाइम रात को निकला हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:33 और मैं हूँ अभी पाटोली में। अभी मैं जा रहा हूँ घर, एक काम से आया था मैं। और मेरे लेफ्ट साइड में यह है पाटोली का फेमस जगह फ्लोटिंग मार्केट। आप अगर कलकत्ता से हैं तो आप पहचान सकते हैं जगह को, इसलिए मैं रात को कर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि मेरा सभी व्लॉग दिन में है, रात का कोई मतलब व्लॉग नहीं है, मोटो व्लॉग, तो इसलिए मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगता है ये व्लॉग तो व्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। इस रास्ते का मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग कर रहा हूँ, पहले कभी इस रास्ते का मतलब मोटो व्लॉग नहीं किया मैंने। आना जाना बहुत होता है पर मोटो व्लॉग नहीं हुआ अभी, आज पहली बार है। तो आप देख सकते हैं रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है कोलकाता का स्ट्रीट। आप कमेंट में ज़रूर बोलना है आपको दिन में घूमना ज़्यादा पसंद है या रात को, क्योंकि रात को सीन कुछ अलग ही होता है लाइटिंग वाइटिंग का, और दिन का तो आपको पता ही है। रात को सब जगह कुछ अलग ही लाइटिंग आपको देखने के मिल जाएगा, सभी जगह की लाइटिंग थोड़ा अलग अलग होता है रात में। तो आप लोगों को मुझे जो रात का सीन भी दिखाना था, इसीलिए मैं आज सोचा जाने टाइम ही व्लॉग कर लूँ, नहीं तो और कब टाइम मिलेगा पता नहीं। तो अभी मैं बाहर था इसलिए सोचा अभी कर लूँ। तो मेरे हेलमेट में सब कुछ सेट ही रहता है, जो माइक है वो भी सेट करके रखता हूँ मैं, और जो माउंट है वो भी सेट करके रखता हूँ, निकलता नहीं क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। और अगर कभी भी ज़रूरत पड़ा तो ये माइक जो है, माइक सेटअप करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं लगा के ही रखता हूँ ताकि उतना टाइम नहीं ना लगे।
बस बस जब मर्जी लगाया और शूट कर लिया, ऐसा सेटअप है मेरा। नहीं तो ये सेटअप करने में टाइम लग जाता है, फिर मोटो ब्लॉग करने का फिर मन नहीं करता। इसमें इतना टाइम लग जाता है सेटअप करने में, जो वायर है वो ठीक से सेटअप करने में हेलमेट के अंदर, क्योंकि वायर बहुत लंबा है इसका, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और मैं जब घर पे रहता हूँ तब सेटअप कर सकते हैं, और जब मैं निकल जाता हूँ बाहर तो उस वक्त अगर ब्लॉक करने का मन हुआ तो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि ये टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो ये लेफ्ट साइड में है साउथ सिटी मॉल, ये भी काफ़ी फेमस मॉल है कोलकाता का। जो व्यू है कैमरा का, थोड़ा आपको लगेगा कि लेफ्ट साइड ज़्यादा दिख रहा है, राइट साइड थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो कैमरा मतलब फ़ोन है उसमें मैं पूरा सेंटर में नहीं लगा सकता फ़ोन, क्योंकि मेरा जो लॉक बटन है उसमें लॉक बटन प्रेस हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा लेफ़्ट करके लगाना पड़ता है। इसीलिए आपको थोड़ा लेफ्ट का एंगल ज़्यादा मिलता है, इस साइड का थोड़ा कम मिलेगा, तो इस साइड का थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कैमरा है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसीलिए थोड़ा मुझे सेंटर में नहीं लगा पाता, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बीच बीच में मैं हेलमेट का वाइज़र को थोड़ा खोल देता हूँ, क्योंकि वाइज़र लगा हुआ रहता है तो फिर अंदर बहुत ये हो जाता है, गर्मी हो जाता है, और अगर खोल के रखा तो आपको ऑडियो ठीक से सुनाई नहीं देगा, मेरा जो आवाज़ है उसको आपको सुनाई नहीं देगा ठीक से, विंड का नॉइज़ आएगा, तो इसीलिए बंद करके रखना पड़ता है। जब मैं बात करता हूँ तो बंद ही रहता है, और जब मैं बात नहीं करता तब मैं थोड़ा खोल देता हूँ, नहीं तो अंदर बहुत घुटन होता है।
अगर व्लॉग अच्छा लगता है मेरा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे भी इस फील्ड पता चलेगा कि आपको कैसा लगता है मेरा व्लॉग, और मुझे बनाने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। फिर आप लोग का अगर कमेंट होगा तो फिर बनाने में भी थोड़ा ठीक लगेगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए। और आप लोग अगर इसी तरह मुझे प्यार देते रहोगे तो फिर मेरा कंटेंट इससे भी अच्छा होगा, इससे भी बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा फ्यूचर में। मैं तो कोशिश करता हूँ फुल कि आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8:47। तो मैं आगे जाके एक आपको कोलकाता का फेमस जगह दिखाऊंगा। और लेफ्ट साइड में है आपका चाइना टाउन, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जगह है कोलकाता में। यहाँ पे सभी तरह के चाइनीज़ रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं ITC रॉयल बंगाल, जो कि काफ़ी फेमस जगह है कोलकाता का। तो मेरा जो फ़ोन माउंट है वो अभी हेलमेट में माउंट है, इसलिए मैं ज़्यादा ओपन नहीं कर पाया, और आपको अच्छा व्यू देखने के लिए नहीं मिला होगा शायद। फिर भी जितना हो सके मैं सिर को ऊपर कर लिया ताकि आपको थोड़ा अच्छा व्यू मिले। यहाँ से मुझे जाना है लेफ्ट, तो ठीक है। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। व्लॉग थोड़ा छोटा था शायद, और थोड़ा नॉर्मल व्लॉग था, ज़्यादा कुछ नहीं था व्लॉग में। फिर भी आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।